अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ताहिर खान, आई एम योर बायो टीचर। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या चीज है, इससे पहले हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि एंजाइम्स जो है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म, कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब है टू चेंज। इस वर्ड को पहले इब्न नबीस ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म जो है, ये रिएक्शन में ट्रांसफर होने में मदद देते हैं। अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारे जिस्म में जितनी भी रिएक्शन होते हैं, अगर रिस्पायरेशन है, डाइजेशन है, बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होते हैं, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है, ये टू टाइप्स के हैं। वन इज एनाबॉलिज्म, अदर इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज, इसमें हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड एसिमिलेशन। आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से हमारे पास जो है क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अदर इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल जो है, उसका ब्रोकन डाउन होता है। लार्ज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। आसान डेफिनेशन है, एनाबॉलिज्म लार्ज मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म लार्ज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन, फॉर एग्जांपल रिस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो कैटाबॉलिज्म में हमारे पास जो है रिस्पायरेशन, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो खुराक हम खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, जो भी चीज़ है, वो सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हमारे पास एंजाइम्स का रोल क्या है मेटाबॉलिज्म में, तो आप लोग को पता है कि एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन को तेज करते हैं। और मेटाबॉलिज्म में हमारे पास जब रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस है, वो एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता, या रिस्पायरेशन है, एंजाइम के बगैर नहीं हो सकता। सो देयरफॉर एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंजाइम क्या चीज है, एंजाइम हमारे पास इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डू नॉट एंड दे आर नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में ये चेंज नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को तेज करते हैं। तो अब हमारे पास एंजाइम ग्रीक वर्ड से निकला है, इसका मतलब ई एन का मतलब एन है और जेन का मतलब यीस्ट है। यीस्ट सबसे पहले विलियम कोनी ने इसको इस्तेमाल किया था पहले टाइम एंजाइम्स को। अब एंजाइम्स के लिए कुछ चीज चाहिए, क्योंकि एंजाइम किसी मॉलिक्यूल पर अमल करेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्सट्रेट। सब्सट्रेट क्या है, इन एंजाइमेटिक रिएक्शन द मॉलिक्यूल व्हिच एंजाइम आर इट्स। हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन में मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है फोटोसिंथेसिस का मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल मैं रिस्पायरेशन का लिखता हूं, ये आसान होगा, C6H12O6+6O2, और हमारे पास बनता है 6CO2+6H2O+ energy। तो अब हमारे पास सब्सट्रेट क्या चीज है, एंजाइमेटिक रिएक्शन किस चीज पर अमल करेगा, एंजाइम अब हमारे पास अमल करेगा ग्लूकोज पे। तो अगर ग्लूकोज पर कौन सा एंजाइम अमल करेगा, फॉर एग्जाम्पल एमाइलेज, अगर हमारे पास एमाइलेज एंजाइम है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो है हमारे पास आसानी से ब्रेकडाउन होता है। तो हमारे पास इसमें सब्सट्रेट क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल सब्सट्रेट। एंजाइमेटिक रिएक्शन व्हिच एंजाइमेटिक रिएक्शन व्हिच मॉलिक्यूल इज ए एंजाइम एक्ट्स। हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन में मॉलिक्यूल पर जो चीज अमल करता है, ठीक है, उसको कहते हैं सब्सट्रेट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल आर जो हमारे पास होता है, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, दे आर चेंज टू डिफरेंट मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये अब हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट किस वजह से आ गया, एंजाइम्स की वजह से। अब हमारे पास इसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तो अब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, इधर हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि अब हमारे पास अगर हम ग्लूकोज को ले लें और इसमें एंजाइम मौजूद ना हो, तो हमारे पास इस रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हमारे पास एंजाइम आ जाए, तो ये रिएक्शन जो है, ये बहुत आसानी से होगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो काम करता है 100 रुपए पे, तो
अगर वो 100 रुपये वाला काम जो है एक इंसान करता है 20 रुपये में, इट्स मीन दैट कि हमारे पास उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। अब हमारे पास तीन तरीके हैं जो एक्टिवेशन एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी इन थ्री वेज। सबसे पहले हमारे पास ये है, अगर आप बुक में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी बुक में मौजूद है, क्योंकि हम ये बुक में पढ़ेंगे, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वे। नंबर वन, क्योंकि ये बुक से पढ़ेंगे हम, दे मे अल्टर द शेप ऑफ सब्सट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। अल्टर द शेप, क्योंकि हमारे पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके साथ माइलेज अटैच हो जाता है, इसके शेप को आसानी से वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और हमारे पास जो चेंज फॉर एग्जांपल अभी इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास एंजाइम आके जो है एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास इस्तेमाल होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कम होती है। किसकी वजह से? एंजाइम की वजह से। और हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आसानी से आ जाते हैं। दूसरा है हमारे पास, सम एंजाइम डू सो बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब्सट्रेट। अब हमारे पास आपको पता है कि रिएक्शन में अगर ग्लूकोज है ये है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो आसानी से इसका ब्रेक डाउन एंजाइम आके करते हैं। तीसरा है, एंजाइम में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंग सब्जेक्ट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रेट। अब हमारे पास एंजाइम्स जो है, आपको पता है कि हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक आखिर में ला के की मॉडल। तो इस हर चाबी जो है आपके हर ताली के लिए एक चाबी होती है, तो इस तरीके से हर मॉलिक्यूल के लिए या हर रिएक्शन के लिए हमारे पास एक एंजाइम होगा। हमारे पास एंजाइम दो किस्म के, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर जो हमारे पास सेल के अंदर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम काम